खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखना किसे पसंद नहीं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह जहां भी जाए वहां हर किसी की नज़र इन्हीं पर टिकी रहे, और इसी चाह के कारण लोग अपने फेवरेट एक्टर की तरह दिखने की कोशिश में लग जाते हैं। और बस इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी बहुत सी कंट्रीज में एक आम सी बात हो गई है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपने चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में, और शायद ये भूल जाते हैं कि इसका अंजाम कितना बुरा भी हो सकता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सिरफिरे के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी अच्छी खासी चेहरे की ऐसी की तैसी करा डाले। सो लेट्स बिगिन। नंबर 3, रेड्रिगो एल्वेस जेसिका। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस मोहतरमा से, मेरा मतलब है इस आदमी से। अब ये आदमी है या औरत, इसको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि ये बार बार अपने जेंडर को चेंज कर लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। वैसे इनका जन्म एक लड़के के रूप में ही हुआ था, लेकिन बचपन में इनके दादाजी ने इन्हें एक बार्बी डॉल गिफ्ट किए थे, एंड तभी से इन्हें डॉल्स की तरह ही दिखने की ख्वाहिश होने लगी। और बड़े होकर इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करी अपनी नाक से, क्योंकि बचपन से ही लोग इनकी नाक को लेकर इन्हें चिढ़ाया करते थे। इसके बाद इनका प्लास्टिक सर्जरी से नाता इतना गहरा हो गया कि इन्होंने सिर्फ अपने नाक का ही 50 से भी ज्यादा बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुके हैं, और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। 2019 में उन्हें ये एहसास हुआ कि वो एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन अब उन्हें कैन डॉल नहीं एक बार्बी डॉल बनने का शौक चढ़ा। उन्होंने रेड्रिगो से जेसिका बनने की ठानी, और इसमें उन्होंने £1,00,000 खर्च करके पहले तो अपने प्लास्टिक के 6-पैक एब्स को निकलवाकर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाए और बन गए एक बार्बी डॉल। उम्मीद है अब ये अपने ब्रांड न्यू बॉडी में बहुत खुश होंगे। नंबर 2, जस्टिन जेडली का। इन भाई साहब को भी अपनी नाक से ही प्रॉब्लम थी, और इन्होंने भी अपनी सर्जरी की शुरुआत करी थी अपनी नाक से। इन्होंने 18 साल की उम्र में ही अपनी नाक की सर्जरी कराई। हालांकि इसके लिए इनके घर वालों ने बहुत समझाया था, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। और अभी जो आप इनकी बॉडी देख रहे हैं, ये किसी जिम में पसीना बहाकर नहीं बना है, ये भी प्लास्टिक सर्जरी का ही कमाल है। इन्होंने अब तक 500 से भी ज्यादा बार सर्जरी करा चुके हैं, और इसकी शुरुआत किए थे अपनी नाक से। यार, प्लास्टिक सर्जरी कराने वालों में एक बात तो कॉमन है, और वो ये है कि इन सबको अपनी नाक से ही कुछ न कुछ शिकायत रहती है। नंबर 1, शहर तबार। अब जरा आप इस लड़की के चेहरे को देखिए और जरा सोचिए कि क्या कोई इंसान ऐसे चेहरे से भी नाखुश हो सकता है। भाई मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ये बात इस लड़की को कौन समझाए। अब आप जरा इनके आज के चेहरे को देखिए, इन्हें अगर कोई बच्चा देख ले तो वो 2 दिन तक खाना नहीं खा पाएगा। ये ऐसी खूबसूरती पाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। शहर तबार नाम की ये लड़की एंजेलिना जोली की बहुत बड़ी वाली फैन थी, इतनी बड़ी कि ये बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखना चाहती थी, और ये भी चाहती थी कि लोग इन्हें एंजेलिना जोली के नाम से ही पुकारे। और ये अवतार पाने के बाद ये दुनिया भर में मशहूर हो गई ईरान की डरावनी एंजेलिना जोली के नाम से। एंजेलिना जोली की तरह ही दिखने के चक्कर में इन्होंने अपने चेहरे पर ऑपरेशन कराने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम में ये एंजेलिना जोली की तरह तो नहीं बट किसी भूतनी की तरह जरूर दिखने लगी है। खैर, चाहे जो भी हो, ऐसे लोग डॉक्टर्स के लिए किसी अवतार से कम नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही उनकी जेबें भरी रहती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।